हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय पैराडाइज। आज मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर दिखाने जा रही हूँ, जिस जो कि बल्ब से निकलता है। ये देखिए, ये मैंने लास्ट ईयर उसके बल्ब सेव करके रखे थे, मैं अब स्प्राउट शुरू हो गए हैं। और ये देखिए, 6 बल्ब हैं जिनमें स्प्राउट्स आ गए हैं। ये देखिए, इनमें से 2 बल्ब में तो स्पाइक्स निकल आए हैं और ये काफ़ी बड़े हो गए हैं और इनमें फ्लावर भी निकलना स्टार्ट हो गया है। इस फ्लावर का नाम है फुटबॉल लिली या ब्लड लिली। इसका बॉटनिकल नेम है स्कैडोक्सस मल्टीफ्लोरस। कुछ लोग इसे मेलिली भी कहते हैं, शायद इसलिए क्योंकि इस मंथ में यह ब्लूम करता है। इस प्लांट को ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, यह बल्ब से ही हो जाता है। बल्ब को राइजोमेटस कहते हैं। इसमें से सिंगल स्टॉक निकलता है, ये देखिए। और मेरे पॉट में कितने सारे स्टॉक निकल आए हैं। इनको स्केप कहते हैं और इसके टॉप पर फ्लावर निकलता है जिसे अंबल कहते हैं। स्टॉक में पहले फ्लावर निकलता है और बाद में लीव्स आती हैं। इसका इनफ्लोरिसेंस बहुत ही सुंदर होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट फ्लावर ना निकल के लीव्स आ जाती हैं पहले, तो उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, नेक्स्ट ईयर वो उसमें फ्लावर ज़रूर आएंगे। ये 6 to 8 इंच का स्फेरिकल क्लस्टर होता है और यह फ्लावर मई में निकलता है, जून जुलाई तक रहता है। जब इसका फ्लावर श्रेड हो जाता है तो इसे नीचे से कट कर देते हैं, फिर इसकी लीव्स निकलती हैं जो कि 6 इंच वाइड और 18 इंच लॉन्ग होती है। ये भी देखने में अच्छी लगती हैं। विंटर इस प्लांट का डॉर्मेसी पीरियड होता है, तब ये लीव्स येलो हो जाएंगी तो इन्हें कट कर देंगे। लीव्स फूड बनाने का काम करती हैं जो कि बल्ब में स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट सीज़न में वो स्टॉक निकालने में यूज़ होता है। बल्ब को हम इसी पॉट में रहने देंगे और यह नेक्स्ट सीज़न के लिए सेव रहता है। और नेक्स्ट टाइम ये बल्ब भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, आपको हर सीज़न में बल्ब का नंबर इंक्रीज़ मिलेगा। जब इसमें बल्ब सेव रहता है तब आप ऐसा कर सकते हैं कि इस पॉट में कोई और कटिंग ग्रो कर लें या कोई छोटा सा सीजनल प्लांट भी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका पॉट भी वेस्ट नहीं जाएगा और बल्ब को भी पानी मिलता रहेगा। जब इसमें बल्ब रहता है तब सनलाइट में ही रखें, जैसे मॉर्निंग की 3-4 आवर्स की लाइट काफ़ी होती है। और जब इसमें नेक्स्ट ईयर स्प्राउट्स निकलना शुरू हो जाएंगे तो शेड में या ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं, जिससे हल्की छनकर धूप लगती रहे। अब वाटरिंग की बात करें तो इसमें नॉर्मल वाटरिंग करें, सॉइल मॉइस्ट रहनी चाहिए, सोगी ना रहे। सॉइल की बात करें तो इसको जब अगर आप फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं तो कैसी सॉइल में लगाएं। और हाँ, ये बल्ब जो है नर्सरी से ही मिल जाते हैं, तो सॉइल वेल ड्रेन होनी चाहिए। इसके लिए आप गार्डन सॉइल ले लें, उसमें 20% कोकोपीट मिला लें और 20% ही सैंड मिला लें। और वर्मी कंपोस्ट या कोई और होममेड कंपोस्ट भी डाल लें। और अगर बोन मील भी अवेलेबल हो तो 2 टीस्पून ये भी डाल लें। ये एक स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होता है और जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाता है। इसमें फॉस्फोरस काफ़ी मात्रा में होता है। अब पॉट को बल्ब में रख दें और सॉइल से कवर कर दें। यह ध्यान रखें कि जो बल्ब की टिप है वो ओपन रहे, सॉइल के अंदर ना हो। और फर्स्ट टाइम इसे अच्छे से वाटरिंग कर दें, इसके बाद एक दिन छोड़कर ही पानी दें जिससे सॉइल सोगी ना हो। और आफ्टर 1 मंथ इसमें स्पॉट्स निकलने लगते हैं और 15-20 डेज बाद ये ब्लूम करने लगता है। फर्टिलाइज़र की बात करें तो मंथ में एक बार वर्मी कंपोस्ट दे दें या फिर 15 डेज़ में
लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दें, और जब इसकी लीव्स निकलती हैं तब इसमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। ये फूड बनाती हैं जो कि बल्ब में स्टोर हो जाता है और नेक्स्ट टाइम जो है इसमें स्टॉक के लिए वो इस्तेमाल हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका प्यार मुझे यूं ही मिलता रहे। थैंक यू।